हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूँ एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम अकेडमी पर। एग्ज़ाम अकेडमी आप सभी तक भारत के डिफरेंट डिफरेंट स्टेट से, यूनिवर्सिटी या किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज से, अगर असिस्टेंट प्रोफेसर से रिलेटेड स्टेट किसी तरीके का कोई रिक्रूटमेंट निकल कर आता है तो उसका इन्फॉर्मेशन हम वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक पहुँचाने का प्रयास करते रहते हैं। बात करते हैं नवोदय विद्यालय समिति की तरफ से एक रिक्रूटमेंट निकल कर आया हुआ है। यहाँ पर टीचिंग पोजीशन पर रिक्रूटमेंट मांगे जा रहे हैं। ये विद्यालय जो है वो भारत सरकार के क्षेत्र में आता है। सेंट्रल गवर्नमेंट की सारी सुविधाएं यहाँ पर प्रोवाइड कराई जाती है। यहाँ पर अनुबंध के आधार पर परामर्शदाताओं की सत्र 2024-2025 के लिए नियुक्ति से संबंधित ये नोटिफिकेशन रिलीज़ किया गया है। यहाँ पर नवोदय विद्यालय समिति के अंतर्गत संचालित जवाहर नवोदय आवासीय सह शिक्षा विद्यालयों में अनुबंध यानी संविदा के आधार पर परामर्शदाताओं की सेवाएं प्राप्त करने हेतु यहां पर शैक्षणिक सत्र 2024-2025 के लिए योग्य उम्मीदवार से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। यहां पर आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इनके ऑफिशियल वेबसाइट www.crschoms.in पर लॉगिन करके आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर जो आपका मानदेय बनेगा वो 44,900 रुपये का बनेगा प्रबंध के हिसाब से। अनिवार्य जो यहाँ पर क्वालिफिकेशन है यानी कि जो क्वालिफिकेशन रखे गए हैं इस फॉर्म को अप्लीकेंट करने के लिए, उसमें किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान में आपको मनोविज्ञान में मास्टर डिग्री या MPhil या MA या MSc आप लोगों के पास हो, मास्टर डिग्री जिसमें MA या MSc आपने किया हुआ हो तो आप एलिजिबल हैं इस पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए, या आप किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से परामर्श मार्गदर्शन या परामर्श में एक वर्षीय डिप्लोमा आप लोगों ने किया हुआ है तो आप एलिजिबल रहेंगे। अनुभव भी यहां पर मांगे गए हैं। केंद्र राज्य या केंद्र शासित प्रदेश या केंद्रीय राज्य के स्वायत्त किसी निकाय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के शैक्षणिक संस्थानों में आपने मार्गदर्शन या परामर्श में कम से कम एक वर्ष का अनुभव आपने लिया हुआ है तो आप फॉर्म को अप्लीकेंट कर सकते हैं। आयु सीमा यहां पर आपका 1 जून 2024 तक 28 वर्ष से कम और 50 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। आवेदन करने के लिए यहां पर ₹500 एप्लीकेशन फ़ीस मांगे गए हैं। सभी उम्मीदवार को यहां पर ₹500 एप्लीकेशन फ़ीस पे करना होगा, लेकिन जो SC ST और दिव्यांग के उम्मीदवार हैं उन्हें एप्लीकेशन फ़ीस में छूट दिया गया है। किसी तरीके का इनका एप्लीकेशन फ़ीस नहीं लगेगा। आवेदन करने की जो अंतिम तिथि है उसमें योग्य उम्मीदवार 5 जून 2024 से फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। 15 जून 2024 तक इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो ओपन रहेगी। इस वेबसाइट पर आप लॉगिन करके इसे फॉर्म को ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के समय अथवा नियुक्ति के उपरांत यदि यह पाया जाता है कि किसी उम्मीदवार द्वारा एक से अधिक क्षेत्रीय कार्यालय में आवेदन किया है तो उसकी पात्रता नियुक्ति को तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दिया जाएगा। यानी कि आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह पर एक ही क्षेत्रीय कार्यालय के लिए फॉर्म अप्लीकेशन करना है। अगर आप एक से अधिक जगह फॉर्म अप्लीकेंट करेंगे तो आपका जो पात्रता है उसे निरस्त कर दिया जाएगा। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात समझने की है कि जो भी कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड होंगे उन्हें ही साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू में बुलाया जाएगा, बाकी किसी को इंटरव्यू में नहीं बुलाया जाएगा। इंटरव्यू की जो सूचना रहेगी वो आप लोगों को ईमेल के माध्यम से कर दी जाएगी यानी कि ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से कर दी जाएगी। तो जो लोग भी फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं इस परामर्शदाता के पोस्ट पर वो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसका क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल मध्य प्रदेश में इस्टेब्लिश्ड है जहां के लिए आपको फॉर्म अप्लाई करना है। तो इस वीडियो में इतना ही। इस तरीके के और भी इन्फॉर्मेशन हम आप लोगों तक समय समय पर पहुंचाने का प्रयास करते रहते हैं। मिलते हैं एक नए वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।